हैं कपूर खानदान के इतिहास से। जी हाँ, कपूर खानदान का इतिहास, यानी कि पृथ्वीराज कपूर से लेकर हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर तक के जनरेशन की। और इससे आप सबको हैरानी होगी, लेकिन जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कपूर फैमिली की हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। कपूर फैमिली ट्री से आपको रूबरू करा दे। दरअसल पृथ्वीराज कपूर जो बॉलीवुड में आए बहुत ही गुजरे ज़माने से, पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पहले कपूर फैमिली के सदस्य थे जिन्होंने राज किया था फिल्म इंडस्ट्री में, उस ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट सिनेमा हुआ करता था। जी हाँ, 1906 में उनका जन्म हुआ था पंजाब में। 17 की उम्र में उन्होंने 14 साल की राम सरनी मेहरा से शादी कर ली थी। फर्स्ट जनरेशन है वो कपूर फैमिली के। और पृथ्वीराज कपूर राम सरनी के 3 बच्चे हुए, राज कपूर, शमशेर राज और बलबीर राज। अब राज कपूर जिनका जन्म साल 1924 में हुआ, उनका निधन साल 1988 में हो गया। शमशेर राज कपूर की बात करें, यानी कि शमी की, तो साल 1931 में उनका जन्म हुआ और 2011 में हमेशा के लिए चले गए। अब बात की जाए बलबीर राज कपूर की, तो शशि कपूर है वो, जो कि साल 1938 में जन्मे और 2017 में हम सब के बीच चले गए। अब बात करें तो शम्मी कपूर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। शम्मी कपूर ने गीता बाली से शादी की, जो कि स्मॉल पॉक्स की वजह से साल 1965 में चली गई। बाद में शम्मी ने नीला देवी से शादी की, जो आज भी हमारे बीच है। साल 1969 में उनकी शादी हुई थी। कपूर खानदान की सबसे बुजुर्ग नीला देवी ही है। अब राज कपूर की बात की जाए, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी शादी कृष्णा मल्होत्रा से साल 1930 में हुई थी। अब शशि कपूर की बात कर लेते हैं, तीसरे भाई शशि, जिनकी शादी जेनिफर कैंडल से साल 1978 में हुई थी। हर जनरेशन कपूर फैमिली के हैं राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा के बच्चे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, ऋतु नंदा और रीमा जैन, जिनमें से ऋषि, राजीव गुजर चुके हैं, ऋतु नंदा गुजर चुकी हैं, रणधीर और रीमा हमारे बीच मौजूद है। शम्मी कपूर के बच्चों की बात करें तो शम्मी और गीता बाली के बच्चे हैं आदित्य राज कपूर और कंचन। इसके अलावा शशि कपूर और जेनिफर केंडल की बात करें तो उनके बच्चे हैं करण कपूर, कुणाल कपूर और संजना कपूर। चौथे जनरेशन की बात करेंगे हम, तीसरी पीढ़ी की हमने बात की, अब चौथे पीढ़ी में रणधीर कपूर ने बलबीता कपूर से शादी की, जिनके 2 बच्चे हुए, करिश्मा और करीना। करिश्मा की शादी संजय कपूर से हुई, बाद में तलाक हो गया, जिनसे कियान और समायरा उनके 2 बच्चे हैं। करीना कपूर खान की शादी सैफ अली खान पचौती से हुई, जिनके 2 बेटे हैं, तैमूर और जहांगीर कपूर अली खान। इसके अलावा ऋषि कपूर की बात करेंगे हम, जी हाँ, ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से हुई। बताना हम आप सबको चाहेंगे कि चौथे जनरेशन में ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से हुई और उनके 2 बच्चे रणबीर और रिधिमा हैं। अब रणबीर कपूर और आलिया की शादी होने वाली है, सब जानते हैं। रिधिमा कपूर ने भाई सहाने से शादी कर ली है, जिनकी एक बेटी है सनारा और शनाया। और अब ऋतु नंदा ने शादी की राजा नंदा से, जिनके बेटे हैं निखिल नंदा, जिन्होंने अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन से शादी की है। दूसरी बेटी नताशा है। बात करी रीमा जैन की, तो मनोज जैन से उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हैं अरमान और आदर, जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है। और इस तरह से चौथे जनरेशन तक की हमने बात की है और पांचवें जनरेशन तक की हमने बात कर दी है। पांचवें जनरेशन में करिश्मा, करीना, रणबीर, अरमान, आदर, रिधिमा, ये सब बच्चे हैं जो कि इस वक्त बॉलीवुड के इर्द गिर्द हमारे बीच नजर आते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।